हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो परमिटिविटी क्या है, तो हम कूलॉम्स लॉ में देखा है, हमने कूलॉम्स लॉ से जो फोर्स का फॉर्मूला जो निकला है हमारा, ये है फोर्स एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square। यहाँ पे जो सिंबल है एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, ये जो वैल्यू है ये है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10^-12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलॉम्ब स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि फोर्स के फॉर्मूले से कि फोर्स एफ जो है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/εo। तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के, मतलब परमिटिविटी के। तो अगर परमिटिविटी किसी मीडियम की कम है तो उस मीडियम में फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर परमिटिविटी उस मीडियम की ज़्यादा है तो उसमें फोर्स की वैल्यू क्या लगेगी, कम। तो हम यहाँ देखते हैं कि फोर्स परमिटिविटी ऑफ एयर की सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम और मीडियम चेंज करते हैं उसकी परमिटिविटी एयर से ज़्यादा होती है, तो फोर्स जो लगता है वो एयर में सबसे ज़्यादा लगता है। तो हम इसलिए क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर इज़ मिनिमम। तो एयर की परमिटिविटी सबसे कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है कि हम मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करें एयर की परमिटिविटी के साथ, क्योंकि हम मोस्टली जो लैब में जो काम हैं वो हम एयर में ही करते हैं। जो चार्ज हम रखते हैं या उनसे जो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं वो एयर में करते हैं बजाय किसी मीडियम के, क्योंकि एयर एक हमारे पास कॉमन मीडियम है। तो उस इसलिए हम हर एक मीडियम की जो परमिटिविटी है उसको एयर की परमिटिविटी के साथ कंपेयर करते हैं, और उसी को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो अगर हम कूलॉम्स लॉ से देखें, अगर हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई करें फॉर मीडियम के लिए, मान लो हमारे पास कोई भी मीडियम है उसके लिए हमने कूलॉम्स लॉ निकाला, उस मीडियम में हमने दो चार्ज रखे Q1 और Q2, ए डिस्टेंस उनके बीच में लिया हमने R, तो उसके लिए जो फोर्स लगेगा दोनों पे, तो वो होगा फोर्स की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये फोर्स M इक्वल टू 1/4 πε Q1 Q2 upon R square। यहाँ पे जो एप्सिलॉन यूज़ हुआ है, ये एप्सिलॉन हम बोलते हैं, एप्सिलॉन ये यूज़ करते हैं फॉर परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। अगर हमने अगर परमिटिविटी हम ये फॉर्मूला हो गया हमारे लिए परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम के लिए, अगर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं फोर्स एफ नॉट। एफ नॉट क्या है, फोर्स फॉर फ्री स्पेस, और एफ एम क्या है, फोर्स फॉर मीडियम। चार्जेस हमारे पास दोनों सेम रहेंगे, Q1 Q2 चार्जेस सेम हैं और उनके बीच में डिस्टेंस R सेम है, बस हमने क्या किया है, बस मीडियम चेंज किया है। एक बार हमने हमने चार्जेस को रखा है एयर में, और एक बार फिर रखा है हमने मीडियम M में, उन दोनों को चार्जेस को रखे उनके बीच में हमने क्या किया है, कंपेयर किया है। तो अगर हम यहाँ से इसका फार्मूला पुट करें रखें, तो मैं यहाँ देख रहे हूँ यहाँ पे जो अगर हम इनका रेशो निकालें तो एफ नॉट डिवाइड बाई एफ एम, उसकी जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कूलॉम्स लॉ का फार्मूला पुट करके, उसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल कैलकुलेशन है, वो तो कर सकते हैं कि एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका ये रेशो है, ये हमें ये शो करता है, इसको हम के भी से डिनोट करते हैं, के हम आगे जाके पढ़ेंगे, के को हम बोलते हैं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब क्या है रिलेटिव परमिटिविटी का, अगर मैं ये बोलूँ किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, तो इसका मतलब क्या है, उस मीडियम में जो फोर्स लगेगा चार्जेस के बीच में वो एयर के कंपेरिजन में 4 गुना कम लगेगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 10 है, तो इसका मतलब यही है कि उस मीडियम में जो फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में वो एयर के कंपेयर में 10 गुना उससे कम लगेगा। तो ये हम यूज करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक और फार्मूला होता है हमारे पास ये फार्मूले आए हैं हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी के, ER इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी। नेक्स्ट कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कूलॉम्स लॉ है,
जो जिन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, अगर फोर्स का फॉर्मूला हमको याद है कि अगर Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जीरो है देन फोर्स विल बी पॉजिटिव, और अगर फोर्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन। तो इसका मतलब क्या है, जो जो ये Q1 Q2 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो कब आएगी, जब अगर दोनों चार्ज हमने जो ले रखे हैं वो क्या हो, सेम सिमिलर चार्ज हो, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव और नेगेटिव हो, तो उस केस में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। सेकेंड, ऐसे ही सेकेंड केस है, अगर इफ़ Q1 Q2 इज लेस देन जीरो देन फोर्स विल बी नेगेटिव, और फोर्स विल बी नेगेटिव है, नेगेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि उसमें फोर्स आपस में दोनों चार्ज के बीच में क्या आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट है, फोर्स स्मॉल डिस्टेंस दैट इज 10^-15 मीटर तक कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड। तो कूलम्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कूलम्स लॉ बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए अप्लीकेबल नहीं होता, तो वहाँ इसका यूज हम वो वहाँ पे ये फेल हो जाता है, वहाँ पे यूज़ नहीं होता इसका। 10^-15 मीटर तक की डिस्टेंस, अगर इससे कम डिस्टेंस है तो वो उसमें यूज नहीं होगा। और ये डिस्टेंस होती कहाँ है, ये न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर है, इससे कम डिस्टेंस होती है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेज होते हैं उसमें कूलम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वैल्यू होती है 10^38 टाइम्स, यानी 10^38 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज सेंट्रल इन नेचर, किन्हीं भी दो बॉडी के बीच, दो किन्हीं भी दो चार्ज बॉडी के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उनका नेचर कैसा होता है, सेंटर, मतलब एक कोई चार्ज बॉडी है तो उसके सेंटर टू सेंटर ये फोर्स की वैल्यू लगती है, फोर्स लगता है। सिक्स पॉइंट, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज एट रेस्ट, कूलम्स लॉ को हम वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे चार्जेस कैसे हो, पॉइंट चार्ज मतलब एक बहुत ही छोटे चार्जेस, एक पॉइंट के समान चार्ज हो, और चार्ज कैसे होने चाहिए, रेस्ट में, तो वहाँ हम कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। मोशन है अगर चार्ज में, अगर चार्ज कोई किसी बड़ी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो वहाँ कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है और सेवन्थ पॉइंट है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हम निकाल सकते हैं, ये हमने पहले भी बताया है तुमको, ये यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज सी स्क्वेयर एन इनवर्स एम माइनस टू, तो कूलम्ब स्क्वेयर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वेयर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशन, ये रिलेशन यूज़ करके हम इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और नेक्स्ट हम करते हैं कूलम्ब लॉ इन वेक्टर।